मैं अनुराधा शर्मा, CDPO चनैनी। आज जहाँ विलन होली के एरिया में, जो काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर एक कैंप लगाया गया, तो अवेयरनेस कैंप लोगों को जहाँ पर मिलेट्स के ऊपर जो है जानकारी दी गई कि हमारी जो खुराक है, हमारे जो रोज का रहन सहन है, उसमें अगर हम ये हाई फाइबर फूड्स जो हैं वो इसको शामिल करें, जैसे ये ज्वार, बाजरा, रागी, मखाना, इस तरह के फूड्स को अगर हम शामिल करें तो हम काफ़ी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आज जैसे हमारा हिंदुस्तान 2025 तक जो है दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है शुगर की बीमारी में, तो काफ़ी सारी इस तरह का लाइफस्टाइल को चेंज करके हम काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जे हाई फाइबर फूड्स, इसी तरह के लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके और बनाने का तरीका, काफ़ी सारी जानकारी जो है जहाँ की महिलाओं को दी गई, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को हेल्दी तरीके की तरफ ले जाएं। तो इसी तरह की जो ये आज का कैंप लगाया गया है, ये काफ़ी बिलन बोली एरिया की कोई 80 महिलाएं जहाँ पे शामिल हुई थी, इन सबको ये जानकारी, इसमें एडोलसेंट ग्रुप को भी शामिल किया गया था और अडल्ट बच्चों को भी शामिल किया गया था, ताकि वो जो हैं फास्ट फूड से दूर रहकर अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जिए और काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकें। तो मिलेट्स, जैसे हमारे ये ज्वार, बाजरा, रागी, मखाना, ये जो हमारी छिलके वाली दालें हैं, हमारे स्प्राउट्स हैं, इन सबको अगर हम अपनी रोज़ की खुराक में शामिल करें तो हम काफ़ी सारी बीमारियों को, शुगर जैसे हाई बीपी और थायराइड, इन काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, घर घर अगर इस तरह की पोषण की जानकारी पहुंचेगी तो हमारा देश तो रोशन होगा ही।